Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class 4th, Subject Science, or Chapter Number 9. Or Chapter Number 9 is Soil Science. So, students, in our previous video, I taught you about the soil. What is the soil and how is soil formed? Where is soil found? I'm repeating. Soil is a loose material uh, that is found on the surface of the earth, and uh, uh, it is the home. टो मैनी लिविंग थिंग्स सच इज इंसेक्ट्स वॉम्स एज वी नो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वेर इज़ द सॉइल फाउंड आई एम रिपीटिंग एंड प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल ह्यूम यूज सॉयल टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिल्ड हाउसेस सॉइल इज़ आल्सो फाउंड इट द बॉटम ऑफ पॉन्स रिवर्स सीज एंड ओशंस तो सॉइल जो है हमें ऑशियन uh, में मिलती है रिवर्स में मिलती है पॉन्ड्स में मिलती है उसका जो बॉटम सरफेस होता है वो वहाँ मिलती है सो so, uh, जो सॉइल है कई एनिमल्स कई इंसेक्ट्स और वॉम्स के uh, भी क्या रहते हैं होम्स रहते हैं घर घर रहते हैं सो हाउ इज सॉइल फॉर्म एस वी आई एज आई टो यू जैसे मैंने आपको बताया सॉल सॉइल प्रजेंट ऑन द अर्थ आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस इज रैन विंड स्नो सनलाइट तो जो रॉक है वो अर्थ पर वेदर uh, कंडीशंस के थ्रू लाइक रेन विंड स्नो सनलाइट उसकी वजह से क्या होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र हो जाती है हम आगे पढ़ेंगे सॉइल इरोजन विंड इसके फैक्टर्स के बारे में जो भी इसके फैक्टर्स हैं सो दिस को स्टेंजेस इन रॉक स्लोली ओवर टाइम विच ब्रेक दैम इंटू स्मॉलर इस्ट एंड सैंड्स अब जब ये डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन ये मैं आपको इसलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है ना आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में उस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे सॉइल इरोजन ओके क्या पढ़ेंगे आज अपन सॉइल इरोजन तो सॉइल इरोजन पढ़ने से पहले हमें पहले उसके फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए वे शुड टू नो द फैक्टर्स ऑफ द सॉइल इरोजन कि भाई सॉइल इरोजन कैसे कैसे होता है और सॉइल इरोजन कहाँ होता है तो ये हमें पता होना चाहिए भी शुड टू नो कि जब सॉइल uh, का फॉर्मेशन होता है तो कई वेदर कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है या सॉइल इरोडिट हो जाती है सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है सॉइल इरोजन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रिपीट कर लें हाउ इज सॉइयल फॉर्म सो रॉक्स प्रजेंट ऑन द अर्थ आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू डिफरेंट वैदर कंडीशन सच इज़ रैन विंड and snow sunlight so these दिस कोज uh, in rocks slowly over time which break them into smaller stones and sands एंड सेंड्स अब क्या होता है जब वैदर कंडीशन के थ्रू रैन विंड स्नो और सन के थ्रू जब हमारी uh, जो सैंड है जो मिट्टी है जो सॉइल है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाती है जो बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े होते हैं इन वेदर कंडीशंस के तहत क्या होते हैं स्टोन्स में और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं सो द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पार्टिकल्स इज नॉन एज वेदरिंग ये डेफिनेशन uh, मैं आपसे पूछूंगी व्हेन आई विल टेक डाउट क्लास जब भी मैं डाउट क्लास लूंगी तो मैं ये वेदरिंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछूंगी द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इन टू पार्टिकल्स यानी वो प्रोसेस जिससे रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है टूट जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है इज नॉन एज वैदरिंग उस कंडीशन को हम कहते हैं वैदरिंग सो वैदरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इन सॉइल फॉर्मेशन ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो वैदरिंग है वो भी फर्स्ट स्टेप है सॉइल फॉर्मेशन का सो स्टूडेंट्स एट लेट्स स्टार्ट नाइन पॉइंट थ्री एक्टिविटी है ये ऑलरेडी सैंड यू इन द पी डी एफ यहाँ जो मैं है आपको पी डी एफ में सैंड कर चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है आपको खुद को करना था दिस दिस क्वेश्चन ये वाला ये आपको करना है ये वाला मैं आपको दे चुकी हूँ ओके सो लेट्स स्टार्ट वी हैव लर्न दैट वैदर कंडीशन कोज वैदरिंग ऑफ रॉक हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वैदर कंडीशन आती हैं वो किस वजह से आती है रॉक्स की वैदरिंग की वजह से आती है सो दीज कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल दैट इज़ फॉर्म और ये जो कंडीशंस होती हैं ऑब्वियसली सॉइल पर भी अफेक्ट डालती हैं जो कि फॉर्म होती है सो ओवर टाइम दिस ब्लो अवे और वॉशिज़ आउट द टॉप लेयर ऑफ़ द सॉइल टू डिफरेंट प्लेज यानी कुछ वक्त के बाद क्या होता है जब ये टॉप लेयर साफ़ हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाती है डिफरेंट प्लेस चली जाती है सो दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोज़न जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉप सॉइल क्या होता है टॉप सॉइल होता है सॉइल का जो फर्स्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं टॉप सॉइल और टॉप सॉइल में जो सॉइल होती है वो बिल्कुल फर्टाइल सॉइल होती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सो वॉट इज द टॉप सॉइल स्टूडेंट्स डोंट फोगेट टॉप सॉइल फर्स्ट लेयर ऑफ द साइल टॉप सॉइल क्या है फर्स्ट लेयर ऑफ द साइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन अब देखिए सॉइल इरोजन क्या है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल इरोजन क्या है ओके सॉइल इरोजन क्या है सॉइल इरोजन जो है वो है मृदा का विक्षेपण मीन्स किसी भी कंडीशन के थ्रू हमारी फर्स्ट लेयर को इराडिड हो जाना ख़राब हो जाना रिमूव हो जाना देखिए जब बारिश होती है रेन होती है रेनिंग होती है जब बारिश होती है तो कहाँ आगे पड़ती है सबसे पहले टॉप सॉइल पर तो जो सॉइल का जो फर्स्ट लेयर है जो कि टॉप सॉइल है वो डैमेज हो रही है ख़राब हो रही है जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो टॉप सॉइल है यानी जो सॉइल की फ़र्स्ट लेयर है वो रिमूव होती है वो ख़राब होती है ठीक है तो ये क्या है इसे ही हम कह रहे हैं सॉइल इरोज़न यानी टॉप सॉइल किसी भी रीज़न से क्या हो रही है ख़राब हो रही है रिमूव हो रही है तो इसे हम कहेंगे सॉइल का विक्षेपण मीन सॉइल इरोजन सो स्टूडेंट्स लीटस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच सॉइल कैन बी इरोडेड तो हमें सॉइल इरोज़न किस किस प्रकार से हो सकता है किस किस टाइप से होता है ये हमें इस वीडियो में पढ़ना है सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स सॉजन बाय विंड देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है और आई थिंक आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा इन प्लेसेस वेयर देयर इज लूज एंड ड्राई फाइन सॉइल वाइन पुशेस एंड कैरी सॉइल टू डिस्टेंट प्लेसेस सो ऐसी जगह जहाँ की सॉइल जो है लूज है ड्राई है और अच्छे पार्टिकल्स हैं अच्छी सॉइल है विंड क्या करती है विंड पुशेस करती है सॉइल को और एक डिफरेंट या डिस्टेंट प्लेस uh, पे दूर पहुंचा देती है ओके okay? यानी विंड क्या कर रही है हमारी जो फर्टाइल लेयर है जो फर्टाइल सॉइल है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचा रही है सो इन दिस प्रोसेस विंड इरोड्स द टॉप सॉइल तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है विंड जो है हमारी टॉप सॉइल को इरोड कर रही है ख़राब कर रही है रिमूव कर रही है सो सच प्लेस यूजअली लुक ड्राई एंड लाइफ लेस कॉमनली डिस्क्राइब्ड इज बैरन ओके तो यानी जो टॉप सॉइल है कहीं ना कहीं क्या कर रही है हमारी टॉप सॉइल विंड को क्या कर रही है ख़राब कर रही है और क्या बना रही है सच प्लेसेस यूजुअली लुक ड्राई यानी वो प्लेसेस जो कि यूजुअली ड्राई दिखते हैं जहाँ कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होती है वो क्या कर दे उसे क्या कहते हैं बैरन बैरन मतलब बंजर भूमि फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट तो ये तो क्या हुआ बाय विंड सो नाउ बाय वाटर इन प्लेसिज वेर स्लॉपिंग सर्फेस और क्यूर वाटर सचेज रैनफॉल रिवर्स और वाटरफॉल्स फ्लोज फ्रीली ऑन दैम यानी वो प्लेसिस जहाँ क्या होता है जहाँ जो वाटर का सर्फेस है यानी रेनफॉल से ख़राब हो रहा है रिवर और वाटर फॉल्स फ्लो फ्रीली ऑन दैम इन दिस प्रोस वाटर इरोडिड स्मॉल रॉक्स एंड सॉइल अलॉन्ग विद डेट यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर आप इस पिक्चर को देख सकते हो यू कैन सी ऑफ दिस पिक्चर कि यहाँ से क्या हो रहा है पानी आ रहा है जो पानी आ रहा है तो यहाँ जो टॉप सॉइल है वो तो ख़राब हो रही है ना क्योंकि पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है हायर से लोअर फ्लो हो रहा है तो जो हायर से लोअर फ्लो हो रहा है हाई हायर से लोअर फ्लो होगा तो ऑब्वियसली जो पानी गिर रहा है उसे जो टॉप सॉइल है जो फर्स्ट लेयर है वो इराद होगी ख़राब होगी रिमूव होगी सो इन दिस प्रोसेस वाटर इरोड्स स्मॉल रॉक्स सॉइल तो जो इस प्रोसेस में क्या होता है वाटर स्मॉल रॉक्स के पार्टिकल्स को और सॉइल को इरोड करता है सो द वाटर गुशिंग अलॉन्ग द स्लॉप्स ऑल्सो कॉजिस द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर एंड डीपर वैलीज ओवर टाइम तो इस तरह से जो विंड है और वाटर है क्या करती हैं सॉइल का इरोजन करती हैं इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं माउंटेन्स हेयर इज ए क्वेश्चन one of the most notable examples of erosion by water is the grand canyon in the united states of america and the canyon was formed as a result of erosion by the colorado river over several thousands of years and find the meaning of the word canyon canyon Johe word verde जहाँ आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ जो कैन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है कैन कैनियन यहाँ क्यों आया है ठीक है कैनियन यहाँ क्यों आया है या यहाँ इन्होंने कैनियन को क्यों रिप्रेजेंट किया है इस क्वेश्चन में कैनियन को क्यों रिप्रेजेंट किया है सो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है आपको बताना है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ कैनियन आफ्टर दिस हेर इज़ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो हमने पढ़ा जो सॉयल इरोज़न है वो नेचुरल फैक्टर्स से होता है नेचुरल फैक्टर्स हमने पढ़े बाय विंड बाय वाटर अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है सॉइली इरोजन होता है देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से इरोजन में रोल प्ले करती हैं अपना अपार्ट फ्रॉम नेचुरल इरोजन बाई विंड एंड वाटर सॉइल इरोजन ऑल्सो ऑक्योर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच इज डिगिंग सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर वुड यस मतलब वाटर uh, से और एयर से मीन्स विंड से तो सॉइल इरोजन हो ही रहा है साथ ही साथ हीन एक्टिविटीज से कैसे हो रहा है देखिए क्या करते हैं ह्यूमन human... humans जो हैं लिविंग थिंग्स जो है ह्यूमन बींग्स यहाँ मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ क्या होता है ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मीन्स अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो खुदाई करते हैं सॉइल की डिगिंग करते हैं खुदाई करते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है कोई बिल्डिंग बनाना होती है कोई ऑफिस कोई स्कूल्स कोई मतलब अपने पर्पज से कटिंग डाउन करते हैं ट्रीज़ को वुड के पर्पज से कटिंग करते हैं ट्रीज़ का तो लकड़ियाँ काटेंगे तो जब लकड़ी काटेंगे तो वो ट्रीज से ही मिलेगी जब वुड लेंगे तो वो ट्रीज से मिलेगा ट्री को हम रूट समेत हटाएंगे तो क्या होगा जो फर्स्ट लेयर है वो डैमेज होगी कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो डैमेज होती है सो स्टूडेंट्स Digging soil for construction of building causes erosion of topsoil, which is the most fertile part of the soil. This leaves behind infertile soil. हाँ uh, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो टॉप सॉइल होती है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है क्योंकि वो फर्टाइल सॉइल होती है और वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है अब देखिए जब कंस्ट्रक्शन के लिए सॉइल को uh, हटाया जाता है खुदाई की जाती है बिल्डिंग्स की वजह से तो इरोज़न होता है टॉप सॉइल का और जब टॉप सॉइल का इरोज़न होता है तो जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है जो मोस्ट पार्ट होता है फर्टाइल पार्ट सॉइल का वहाँ सिर्फ इनफर्टाइल सॉइल रह जाती है सो रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड सॉइल जो हमने पढ़ा है ये कि जो रूट्स होती है ट्रीज़ की वो क्या करती है सॉइल को होल्ड किए हुए रहती है एंड व्हेन ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज फॉर फूड और जब भी ह्यूमंस क्या करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या वुड लेने के लिए ट्रीज़ uh, को कट करते हैं देन द सॉयल हेल्ड बाय द ट्रीज बिकम्स लूज तो जो सॉइल होती है ऑब्वियसली जब हम ट्रीज़ को काटेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो सॉइल तो लूज होगी ही तो टॉप सॉइल है वो तो बर्बाद होगी ही दिस लूज़ सॉइल इज़ देन इरोडिड आई विंड और वाटर तो मतलब एक तरह से वाटर uh, और विंड के अलावा जो ह्यूमन है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन को करने में जो कि नहीं करना चाहिए इवन ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो शामिल होना ही नहीं, नहीं चाहिए सॉइल इरोज़न में क्योंकि जो नेचुरल है वो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन नेचुरल भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो कम से कम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हम वो तो ना करें जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू सॉयल इरोजन हो रहा है सो दे आर सॉइल इरोजन ऑक््योर्स नेचुरली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ However, uh, there are ways to prevent and reduce this process. अब देखिए हम इस process को कैसे reduce कर सकते हैं हम कैसे soil erosion को prevent कर सकते हैं So prevention of soil erosion. Soil erosion can be prevented, reduced in the following ways. यानी and we should to prevent prevent of the soil erosion. हमें करना चाहिए soil erosion को prevent. वरना आने वाले वक्त के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है सो द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ दैट आर कट डाउन शुड बी मिनिमाइज्ड यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन कि जब हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं तो कम से कम हमें वो कम से कम करना चाहिए ना के बराबर करना चाहिए और अगर हमारी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो ट्रीज़ से ही पूरी हो रही हैं तो हमें अपने आप से एक एक प्लेज ये लेना चाहिए कि अगर हम हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ट्री और प्लांट को कट कर भी रहे हैं तो हमें प्लांटेशन भी करना चाहिए अगर हम एक ट्री को कट कर रहे हैं तो हमें फाइव प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए या फ़ाइव प्लांट को प्लांटिंग में रखना चाहिए सो ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड सो ट्रीज़ शुड बी प्लान्टड टू रिप्लेस द वंस देट आर कट डाउन तो ठीक है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें प्लानेशन करना चाहिए हमें एक प्लीज लेना चाहिए कि अगर हम एक ट्री काट रहे हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो उसके रिप्लेस में कम से कम हम थ्री प्लांट ग्रो करें ताकि अगर थ्री में से टू भी अगर डैमेज हो जाते हैं या ग्रो नहीं होते तो एक तो होगा सो ट्रीज़ एंड प्लांट्स शुड बी प्लांटेड इन ओपन लेन्स ट्रीज़ और प्लांट्स को हमें कहाँ प्लांटेड करना चाहिए ओपन लेन्स में करना चाहिए जो भूमि ओपन है वहाँ ग्रास एंड शब्स शुड ऑल्सो भी प्लांटेड नियर पार्कस बिल्डिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ रोड्स और जो ग्रास और शब्स रहते हैं उनको कहाँ प्लांटेड करना चाहिए हमें पार्क्स के नियर में और बिल्डिंग या बिल्डिंग्स रोड के साइड में तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन क्योंकि जब तक हम सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन नहीं करेंगे तब तक हम सॉइल को भी इरोडिट करते रहेंगे और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे जो कि आ, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सो वी शुड टू टेक केयर ऑफ और प्लांट्स एंड वी शुड प्रिवेंशन ऑफ द सॉयल इरोजन क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम दूसरों को भी बताएंगे तो हमें क्या करना है आज एक प्लेज लेनी है कि अगर हम अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अगर कोई प्लांट या कोई ट्री को कट कर भी रहे हैं तो हमें उसके रिप्लेस में कम से कम मिन थ्री प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए और हमें दूसरों को हमारे नेबर्स को हमारे फैमिली को हमारे फ्रेंड्स को हमारे लोगों को साथ के लोगों को अवेयर करना चाहिए फॉर दइल इरोज़न की सॉइल इरोज़न को रोकने के लिए हम जो जो ख़ुद कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए सो स्टूडेंट्स आई होप आपके ये चैप्टर समझ में आ गया होगा ये जो वीडियो है आपको चैप्टर समझने के लिए हेल्प करेगा आप इसको अच्छे से पढ़ें इसमें से जो कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आपसे डाउट क्लास में पूछूँगी तो आप इसको कंप्लीट करें जो होमवर्क इस वीडियो में आपको दिया गया है आप उसे करें आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन और नेक्स्ट क्लास थैंक यू